Okay, a very good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. So today we are starting with a new chapter, chapter number 19, Dormant Company. I understand your Diwali excitement. Write down a heading. Chapter number 19, Dormant Company. Likho beta. Bahut hi important chapter hai aur bahut chota chapter hai. But example mein ye 25 marks ke portion mein covered hai. 25 मार्क्स में चैप्टर 19, 20, 21 तीन ही चैप्टर है 25 मार्क के लिए. एक आधा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है जो हिसाब से है. 5 मार्क का क्वेश्चन तो पक्का आएगा. छोटा चैप्टर है, अगर दिल से पढ़ोगे तो कंप्लीट हो जाएगा 100% करेक्ट है. तो डॉर्मेंट कंपनी, दैट इज चैप्टर नंबर 19. सबसे पहले डॉर्मेंट कंपनी का मतलब क्या है जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है. But dormant company is defined in section 455. Section 455 के तहत जो company registered है but उसमें कोई काम का चालू नहीं हुआ है, या जो company register होके उसमें सिर्फ asset hold करके रखा है, future point of view से company बना के रखी है, या जो company registered है but उसने अभी तक 2 साल हो गया है ना financial statement ना annual return ROC के साथ file किया है, ये company का status होगा dormant company. Company बनाई है, एसेट होल्ड करके रखा है, कुछ काम नहीं स्टार्ट हुआ है, बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, ना इस कंपनी में कुछ आरओसी के फाइलिंग हो रहा है. 2 साल से ज़्यादा हो गया, 2 साल से हमने कंटिन्यूस कोई भी रिटर्न्स नहीं फाइल किए जो कंपलसरी कंपनीज एक्ट के अंदर है, ना फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हमने फाइल किया है. दैट कंपनी इज कॉल्ड एज डॉर्मेंट कंपनी. तो 3 पॉइंट्स हैं, नॉट हैविंग एनी बिजनेस ऑपरेशंस और ट्रांजैक्शन, not having any significant accounting transaction, or basically not filing returns or financial statement for basically continuous consecutively 2 years. बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मेरा एक कज़न है, उसने कंपनी बना के रखी है क्योंकि स्लोली अगला साल उसका प्लानिंग है कि मुझे इस कंपनी में काम चालू करना है, बट इस साल में कुछ काम नहीं स्टार्ट करना है. नाम रिजर्व करके रख दिया, कंपनी इनकॉर्पोरेट करके रखा, उसके लिए फंड इकट्ठा करना चालू किया, बट अभी तक बाकी कुछ कामकाज नहीं है. नो सेल एंट्री, नो परचेज एंट्री, नथिंग. सिंपल बात है. हाँ, बट वो कंपनी में वो CA फीस देगा, CS फीस देगा, दैट इज अ ट्रांजैक्शन, बट दैट इज समथिंग विच इज नॉट सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन. समझे मेरी बात? वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का खर्चा ऑफिस बना के रखा है, बट उसको खर्चा है बस रेंट भर रहा है, या रेंट भी नहीं, मतलब एक तरीके से बस मेंटेन करने के लिए खर्चा कर रहा है, बट दैट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन. समझे मेरी बात? गवर्नमेंट ड्यूज भरना, गवर्नमेंट आरओसी फीस भरना, दैट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन है बट इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन. तो बेसिकली अगर वो 4 चीज कर रहा है तो फिर भी वो डॉर्मेंट है. वो कौन सी 4 चीज कर रहा है फिर भी वो डॉर्मेंट है? सबसे पहले ही इज पेइंग द आरओसी फीस. आरओसी फीस तो जाने वाली है. सेल 0 भी रहा तो ऑडिटर को ऑडिट फीस देनी पड़ेगी, कंप्लायंस फीस. करेक्ट है बात? थर्ड, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि बेसिकली उसने बेसिकली क्या करके रखा है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का खर्चा कर रहा है, तो ये सब बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं माने जाते हैं, ये करना ही पड़ता है. इसके अलावा अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो फिर वो कुछ बिजनेस चला रहा है. तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंपनी बना के रख देते हैं बट उसमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, वो कंपनी बोला जाएगा डॉर्मेंट कंपनी. थोड़ा टेक्निकली पढ़ते हैं, अभी थोड़ा सा बैरैक्ट में चलते हैं. ये देखो, सेक्शन 455, वेयर द कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एसेट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन. मतलब इतना कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है. सही, इसका क्लेरिफिकेशन नीचे आएगा. ओके, सच कंपनी और इनएक्टिव कंपनी में मेक अ एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार एंड ऑप्टेन द स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी. समझे मेरी बात? डॉर्मेंट मतलब बंद नहीं हुआ है बट उसमें कोई अभी तक काम का चालू हुआ नहीं है. समझे मेरी बात? तो ये देखो, सिंपल है. मतलब हो सकता है कि फ्यूचर के लिए बनाया, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है. प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए बनाया बट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है. कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं है तो वो क्या माना जाएगा? डॉर्मेंट कंपनी, एक तरीके से इनएक्टिव कंपनी. ओके, और एक क्लेरिफिकेशन नीचे दिया है. सिंपल लॉजिक, इनएक्टिव कंपनी मींस, इनएक्टिव एंड डॉर्मेंट आर वन एंड द सेम, नाम से वेल यहाँ पे ठीक है. मींस विच इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस ऑपरेशन
which is not having any significant accounting transaction and for the last 2 years has not filed any financial statement or annual returns. 2 साल से कोई भी हमने returns filing नहीं किया है, ROC को कोई भी paperwork file नहीं किया, मतलब ROC की नज़र में वो active है या inactive है? Inactive है, simple बात हो गई. और एक चीज़ बोली है कि significant accounting transaction ये 4 छोड़कर बाकी सब significant accounting transaction है. सो कौन से 4 चीज़ छोड़कर ये significant accounting transaction है? देखो, payment of fees to ROC, ये तो भरना ही पड़ता, करेक्ट है? Payment made for fulfillment of any law, CA fees, CS fees, ये देना ही पड़ता है. मेरे पास एक क्लाइंट है, सिर्फ आता है ऑडिट फीस 10,000, CS की फीस 8,000, ROC फीस 2,000, 20,000 हर साल एक प्रसाद देके चले जाता है. 2 घंटे का काम नहीं होता बेटा, बैलेंस शीट तैयार करता हूँ, कुछ नहीं, लॉस बुक करता हूँ, ऑडिट फीस डेबिट बाय लॉस, खत्म. ROC का पूरा पेपर वह CS करेगा, ओके, डन डन, सबमिट. सिर्फ कंपनी बना के रखी है, सिर्फ उसने लॉसेस मतलब एक्सपेंस क्लेम करना है. कौन सा एक्सपेंस? वो भी ऑडिटर फीस एंड कंपनी सेक्रेटरी फीस, इसके अलावा कोई भी एक्सपेंस क्लेम नहीं करता है वो. ROC कंप्लायंस फीस, करेक्ट है? उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ शेयर, ये तो आएगा है ना, कंपनी बनाई है तो शेयर तो अलॉट करना पड़ेगा, पैसे आए बस, एक ट्रांजैक्शन हो गया, मनी रिसीव्ड, ये भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है. एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स. तो इन शॉर्ट देखो, अगर 3 चीज़ है तो डॉर्मेंट कंपनी है, नो बिजनेस ऑपरेशंस, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, एंड थर्ड क्या है बेटा, द ROCs के कंप्लायंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न इज नॉट फाइल्ड फॉर कंटिन्यूअस 2 ईयर्स. तो कौन सी कंपनी? डॉर्मेंट कंपनी. क्लियर हो गया? सर, व्हाट इज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन? एक्सेप्ट द फॉलोइंग 4, ऑल आर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट द 4, बाकी सब क्या है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन. सर, कौन सा एक्सेप्ट 4? पेमेंट ऑफ ROC, कंप्लायंस फीस, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड ऑफिस. ये 4 चीज़ तो वो करना ही पड़ता है, ये करना ही पड़ता है. ये जैसा हो गया कि इंसान है तो भाई नहाना खाना धोना ये करना ही पड़ेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, ये बेसिक्स में आता है. इसके अलावा कुछ भारी कर रहे ज़िंदगी में तो आप सिग्निफिकेंट माने जाओगे, समझे मेरी बात? तो ये 4 चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इसके अलावा सब चीज़ क्या बेटा? सिग्निफिकेंट है. क्लियर हो गया बात? तो सेक्शन 455 मेंशन करता है व्हाट इज अ डॉर्मेंट कंपनी. एक काम करो, लिखे हो नीचे लिखना सेक्शन 455 डॉर्मेंट कंपनी. हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अब पढ़ोगे, SBEC में आएगा, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, डिज़ाइन. सेक्शन 455 डॉर्मेंट कंपनी, 455, ठीक है, डॉर्मेंट कंपनी डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट does not carry on any business or operations. Does not carry on any business or operations. Does not carry on any business or operations. Second part. 3 पार्ट बनाया ना, तो सेकंड पार्ट में हैड नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन. सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है. एंड द थर्ड पार्ट हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड हैड नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड
annual returns during the last two financial years. Financial statement and annual returns during the last two financial years. तीन पॉइंट है, तीन में से अगर एक भी सेटिस्फाई हो गया, बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ है या फिर फाइलिंग ही नहीं हो रही है, तो फिर कहीं ना कहीं वो डिक्लेयर कर सकते हैं डॉर्मेंट. सो कौन कर सकता है, वो आगे की कहानी है. पहले डॉर्मेंट का मतलब समझ रहा है. अब इसमें क्लेरिफिकेशन किस चीज़ का दिया, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन. लीव वन लाइन राइट डाउन, बीच में वर्ड लिखो, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन. बीच में वर्ड लिखना है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन. उसमें एरो बनाओ, एरो बना के लिखना है मींस द ट्रांजैक्शन अदर देन, मींस ट्रांजैक्शन अदर देन, अदर देन व्हाट, फॉलोइंग फोर, चार चीजें छोड़ के बाकी सब क्या है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मींस द ट्रांजैक्शन अदर देन. यहां तक लिखा. अब इसको डिवाइड इनटू हाउ मेनी पार्ट, फोर पार्ट. ये चार चीजें छोड़कर बाकी सब क्या है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन. कोई भी क्लाइंट के रिकॉर्ड्स में थोड़ा बहुत खर्चा रहता है कि भाई ऑफिस वगैरह एक्टिव रखने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कन्वेंस फीस, ROC फीस, ऑडिटर फीस, ये तो देना ही पड़ता है. ये इनका मतलब एक कहीं ना कहीं नहीं क्या कहीं ये प्रसाद है, बांटना ही पड़ेगा, ये इनको करना ही पड़ता है. कुछ भी हो जाए, बिजनेस करो मत करो, ये तो आने ही वाला है. ओके, अदर देन द फोर, डिवाइड इनटू फोर पार्ट. फर्स्ट पार्ट, पेमेंट ऑफ फीस टू ROC, पेमेंट ऑफ फीस टू ROC, पेमेंट ऑफ फीस टू ROC. सेकेंड पार्ट, पेमेंट मेड to comply the laws, करेक्ट. लॉ कंप्लाई करने के लिए जो खर्चा होता है, ऑडिटर फीस वगैरह, ये सब यहाँ पे आता है. एक होता है ROC फीस, जो ऑफिशियली ROC कलेक्ट करता है हर फॉर्म के साथ. MJD 14 फाइल किया, पैसा दो. ये फाइल किया, पैसा दो. बहुत पैसा कमा रहे, ठीक है ना. बात उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखना, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. अभी सब्सक्राइबर को शेयर तो अलॉट करना ही पड़ेगा ना, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, शेयर्स देना पड़ेगा उनको, करेक्ट है. उसके बाद फोर्थ पॉइंट, पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स. पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स. तो ये हो गया आपका पहला डॉर्मेंट का मतलब. डॉर्मेंट में और एक चीज समझना, आपने जो रिटर्न्स की बात की है ना, वो सेक्शन 92 में आता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की है 129 में. फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है बताया गया, और 137 में बोला गया कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा. दिखाता हूं मैं आपको बैरक में. 92 ये आपकी रोजी रोटी है बेटा, सेक्शन 92 ये आपको पैसा देगा ही, मतलब देगा. जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोजी रोटी, कुछ भी काम मत करो बट साल में बैंक ऑडिट कर लो 15-20 दिन मार्च एंड अप्रैल में, तो 3-4 लाख की इनकम हो जाती. तो मतलब महीने का 30,000 एवरेजिंग हो गया, अपना खर्चा निकल गया, पॉकेट मनी, समझे मेरी बात. तो 92 ऐसा सेक्शन है जो CS के लिए पॉकेट मनी है. पॉकेट मनी नहीं, इट मे बी अ बिग पॉकेट मनी ऑल्सो, समझे मेरी बात. तो 92 एनुअल रिटर्न, ये कंपलसरी सबको फाइल करना है, और 137 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना है. 137 का जो फॉर्म है AOC 4 है, दिखने की जरूरत नहीं, आएगा आगे जाकर, AOC 4 है. और एक फॉर्म है बेटा AOC 4 XBRL. XBRL एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, रिपोर्टिंग लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज. जैसे अपन XLS, मतलब एक्सेल को हम .XLS बोलते हैं, समझे. .DOC को क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट. तो एक XBRL करके एक फॉर्मेट आता है जिसमें आपको पूरी कंपनी की बैलेंस शीट फिल करनी पड़ती है XBRL फॉर्मेट में, और MCA के पोर्टल पे अपलोड करना पड़ता है. तो उसका फुल फॉर्म क्या है, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज. इसके ऊपर मेरा फ्रेंड सेमिनार्स लेता है, CS और CA को जाके सिखाता है XBRL कैसे यूज़ करते हैं.
ये भी एक इनकम है और बहुत बड़ी इनकम है. He is being called at various institutes and seminars to come and train the all the professionals. What is XBRL? एक चीज़ भी आपका एक फील्ड बन सकता है. मेरी बात मानो, टैक्स के अंदर सिर्फ कैपिटल गेंस पे लोग भगवान बन जाते हैं. कैपिटल गेंस मेरी रोजी रोटी है. रोजी रोटी नहीं होती है, उनका सब कंप्लीट हो जाता है, जिंदगी पूरी कंप्लीट हो जाती है. स्पेशलाइजेशन का ज़माना है. पहले तो सब्जेक्ट वाइज स्पेशलाइजेशन था. मैं तो बोलता हूँ कि उसके अंदर भी जो सेक्शन वाइज भी स्पेशलाइजेशन आ सकता है. मतलब एक का काम ही है कि भाई एग्जाम्पल है कि कैपिटल गेंस कैसे सेव करके हम क्लाइंट को बचाएं. दैट इज हिज प्रैक्टिस. समझे मेरी बात? एक का काम है सिर्फ XBRL सिखाना, एक का काम है XBRL फाइलिंग करके देना. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो ये एक चीज़ है, इसलिए मैं इतना बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है. सेक्शन 92 क्या है? एनुअल रिटर्न्स. एंड 137 क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दिखा देता हूँ. देखो 129 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस व्हाट? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज स्पेसिफाइड इन स्केड्यूल 3. कंपनीज जो एक्ट में जो स्केड्यूल 3 है वो आपको फॉलो करना पड़ता है. बैलेंस शीट की फॉर्मेट फिक्स है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फॉर्मेट फिक्स है. वो आपको वही फॉर्मेट में पूरी बैलेंस शीट बनानी है. बट कुछ कंपनीज की बैलेंस शीट की फॉर्मेट अलग है. जो कंपनीज के स्पेशल एक्ट से गवर्न्ड है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी के बैलेंस शीट के फॉर्मेट अलग है बेटा. तो उनको एक्सेप्ट कर दिया, एग्जम्पशन दे दिया 129 में एक्सप्लेन किया. और 137 बोलता है कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विद ROC. ROC के पास आपको फाइल करना पड़ेगा. कुछ कंपनीज को XBRL में करना है, जो बड़ी कंपनीज है लिस्टेड एंड ऑल, और बाकी लोगों को एग्जम्पशन है. छोटे मोटे कंपनीज डायरेक्ट फाइलिंग करो, फिजिकल फॉर्म फिल करके या ऑनलाइन पोर्टल से फॉर्म डाउनलोड करो और वो फॉर्म में फिल करो. बट बड़े बड़े कंपनीज को किस में फाइलिंग करना है? XBRL. ये जनरल नॉलेज दे रहा मैं आपको, ठीक है? और 92 जो है, सेक्शन 92 के तहत एनुअल रिटर्न शुड बी फाइल्ड. यहाँ ऐसा सेक्शन है 92 एंड इनफैक्ट MGT 14 जो आएगा आपको, करेक्ट है? ये सब इसमें कभी अमेंडमेंट्स ही नहीं आया आज तक, इतने साल हो गए. मतलब सो मेनी ईयर्स. आप बोले सर कंपनी एक्ट 13, अरे मैं 1956 से बोल रहा हूँ. ये कुछ कुछ सेक्शंस है कि 50-60 साल हो गए, नो अमेंडमेंट्स इन दीज सेक्शंस. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? बिकॉज ये फिक्स है, ये हर कंपनी को करना ही पड़ता है. इसलिए सेक्शन कोट करा मैंने. एनुअल रिटर्न क्या लिख के रखो? 92. एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखो 137. कंपनीज लॉ में काम आएगा आपको, करेक्ट? अब सवाल ये है, डॉर्मेंट स्टेटस कौन ऑब्टेन करेगा? आप समझ रहे हो क्वेश्चन क्या है? डॉर्मेंट स्टेटस कौन ऑब्टेन करेगा? हु विल अप्लाई फॉर डॉर्मेंट स्टेटस? बोलो. कंपनी खुद होके अप्लाई करेगा. कंपनी बोलेगा देखो ROC, हमें डॉर्मेंट डिक्लेयर करो, हमारे पास ना कोई कामकाज है ना कुछ है, हमने कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया. हो सकता है कि ROC भी डॉर्मेंट डिक्लेयर कर दे. स्टेटस जो है, डॉर्मेंट स्टेटस जो है, ये दो लोग डिसाइड कर सकते हैं, कंपनी खुद या ROC, करेक्ट है बात? सर ROC क्यों करेगा? हो सकता है कि कंपनी 2 साल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं कर रहा है. हो सकता है कि कंपनी 2 साल से एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहा है. तो ROC को अभी डाउट आ रहा है. तो ROC कोई भी डिक्लेयर करने से पहले नोटिस भेजेगा कि देख कंपनी, तेरे पास से कुछ भी पेपर्स नहीं आए, हम तुम्हारे एक भी पेपर देख नहीं रहे, आज तक तो कोई भी करस्पॉन्डेंस नहीं आया, तो हमें प्रूफ करो कि हम डॉर्मेंट डिक्लेयर करें या ना करें. ना करें ऑब्वियसली, दैट इज मोर वे. ओके, तो ROC डिक्लेयर कर सकता है कोई भी कंपनी को डॉर्मेंट, या कंपनी खुद होके अप्लाई कर सकता है कि हमें डॉर्मेंट डिक्लेयर करो. कंपनी जब अप्लाई करता है तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्म है जो हम देखेंगे, करेक्ट है? और ROC डिक्लेयर करने से पहले क्या भेजेगा बेटा? नोटिस, करेक्ट है? नोटिस कि 2 साल से तुम्हारा कोई भी बैलेंस शीट आया नहीं है, 2 साल से कोई भी एनुअल रिटर्न्स नहीं आया, तो हमें प्रूफ करो कि तुम्हें डिक्लेयर क्यों नहीं करना है, डॉर्मेंट डिक्लेयर क्यों नहीं करना है. तो दो लोगों के हाथ में है डॉर्मेंट का स्टेटस लेना. एक तो कंपनी डिक्लेयर करेगा, दूसरा या तो ROC. कंपनी को शायद इसके कुछ बेनिफिट्स है इसलिए कंपनी अप्लाई कर रहा है. कुछ ना कुछ तो होगा ना, कंपनी खुद होकर डॉर्मेंट क्यों डिक्लेयर करवाएगा? देर आर सर्टन बेनिफिट्स.
एंड देर आर सर्टन प्रॉब्लम्स एज वेल, बट कहीं ना कहीं बेनिफिट्स ज़्यादा है. तो देखो यहाँ पे मॉड्यूल में चलता है. देखो ऑब्टेनिंग डॉर्मेंट स्टेटस दिख रहा है. सुओ मोटो एप्लीकेशन द कंपनी विच मीट्स द अबाउ क्राइटेरिया कैन सुओ मोटो अप्लाई टू आर ओ सी फॉर द डॉर्मेंट स्टेटस इन फॉर्म MSC1. MSC स्टैंड फॉर मिसलेनियस. क्या स्टैंड होता है बेटा? मिसलेनियस. लिखो मत, मैं आपको पूरा समझाऊंगा, पूरा लिखा के दूंगा. मिसलेनियस फॉर्म में अप्लाई करेंगे अलॉन्ग विथ फीस. ये तो धर्म है, पैसा देना ही पड़ता, जेब खाली करना ही पड़ेगा. 100, 200, 500 ऐसा चलता ही रहने वाला है. और कभी कभी क्या हो सकता है, आर ओ सी खुद होकर भी डॉर्मेंट डिक्लेयर करेगा कंपनी को, डॉर्मेंट बाय आर ओ सी. क्यों डिक्लेयर करेगा? मैंने आपको बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न इज नॉट फाइल्ड फॉर 2 consecutive years. तो आर ओ सी कोई भी डिक्लेयर करने से पहले इंटीमेट करेगा, कंपनी को नोटिस भेजेगा और बोलेगा कि तुम्हारा नाम हम डॉर्मेंट के स्टेटस में डालना चाहते हैं, या शायद स्ट्राइक ऑफ भी कर सकता है कि तुम्हारा नाम ही हटा देते रजिस्टर से. करेक्ट है? तो तुम्हारा नाम हम डॉर्मेंट में डालना चाहते हैं, प्लीज़ टेल अस कि हम तुम्हें क्यों नहीं डाले डॉर्मेंट के स्टेटस में. तो एक तरीके से देखो, कंपनी विल अप्लाई इन फॉर्म नंबर MSC1. ये तो क्लियर हो गया, फॉर्म नंबर्स चालू हो गए यहाँ पे. एंड देखो कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर और फॉर्म नंबर आपको याद करने पड़ेंगे एग्जीक्यूटिव में. बाकी जो एक्ट्स आएंगे ना, हैजार्डियस वेस्ट मटेरियल पोल्यूशन एक्ट पार्ट बी में आने वाला है, उसके सेक्शन नंबर आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल. इज इट वेरी क्लियर? तो हु कैन अप्लाई फॉर डॉर्मेंट स्टेटस? कंपनी. हु कैन अप्लाई फॉर दिस? आर ओ सी. आर ओ सी विल सेंड नोटिस. एंड वाई, वॉट इज द रीजन कि आर ओ सी उनको डॉर्मेंट डिक्लेयर करना चाहता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 137, एनुअल रिटर्न्स 92, इज नॉट फाइल फॉर कंजिक्यूटिव कंटिन्यूस 2 years. तो आर ओ सी उनको नोटिस भेजेगा और बोलेगा देखो हम तुम्हें क्या डिक्लेयर करना चाहते हैं? डॉर्मेंट डिक्लेयर करना चाहते हैं. क्लियर हो गया बात? तो ये देखो यहाँ पे एकदम मॉड्यूल सी में आपको डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ. ये देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, थोड़ी मेहनत करेंगे तो हो सकता है. ऑप्टेनिंग डॉर्मेंट स्टेटस, हु कैन ऑप्टेन डॉर्मेंट स्टेटस? कंपनी, या डॉर्मेंट स्टेटस बाय आर ओ सी. क्लियर कट हो गया यहाँ पे? अब यहाँ पर देखना, अ कंपनी कैन अप्लाई इन विच फॉर्म? MSC1 अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब फीस. आर ओ सी कैन ऑल्सो डिक्लेयर एनी कंपनी एज डॉर्मेंट, बट डॉर्मेंट तो डिक्लेयर हो गए, कितने सालों के लिए आप डॉर्मेंट माने जाओगे? ऐसा होता ना, कुछ बच्चे रजिस्ट्रेशन लेके रखते हैं इंस्टीट्यूट का, आई एम परसुइंग CS, आई एम ऑल्सो परसुइंग CS, प्रोफेशनल बाकी है मेरा, समझे मेरी बात? बाकी मतलब दिया ही नहीं है तो बाकी है. ओके, तो सच में नहीं दिया. तो अब मैं ये बोल रहा हूँ एग्जिट, मैं कोई लोग पूछता व्हाट आर यू डूइंग, सपोज ऐसा कोई पूछता नहीं है, बड़े एग्जाम्पल है, तो मैं मस्त लिख देता बायोडाटा CV में कि आई एम कंप्लीटेड चार्टर्ड अकाउंटेंसी, डन ग्रेजुएशन एंड आई एम परसुइंग CS. लोग बोला बहुत भारी, और एक डिग्री कर रहा है, नहीं करना है मुझे, बिकॉज आई एम इंटू द करियर पॉइंट एंड आई एम इंटू सम वर्क. ओके, तो परसुइंग CS लिख देता हूँ, सिर्फ नाम के लिए रजिस्ट्रेशन है बेटा, सबको बताने के लिए बोल दे परसुइंग CS. हाँ बोले आई एम इंटू प्रोफेशनल, आपको मैं बता रहा हूँ, है सही बात है, CS प्रोफेशनल का रजिस्ट्रेशन है, ओल्ड कोर्स का करके रखा हुआ है, सिर्फ करके रखा है, बाकी कुछ नहीं है. तो ये मुझे बताओ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंपनी बना के रखे, बट अब कब तक डॉर्मेंट? ICSI ने भी करना चाहिए, बहुत बड़बड़ हो गई, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा, दिख नहीं रहा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल, घर भेजो. कुछ तो डेडलाइन होना चाहिए ना, करियर का डेडलाइन होना चाहिए. तो कंपनी के लिए भी समझना मेरी बात, एक डेडलाइन है कि डॉर्मेंट स्टेटस कब तक एंजॉय कर सकते हो? मैक्सिमम 5 years. अगर 5 साल से पहले कंपनी को एक्टिव करवा के लेना पड़ेगा कंपनी ने. अगर कंपनी ने खुद को एक्टिव नहीं कराया, डॉर्मेंट स्टेटस अगर अभी भी है, 5 साल से ज़्यादा हो गया, आर ओ सी उठा के रजिस्टर से नाम कट कर देगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कैंसिल, कंपनी बंद, स्ट्राइकिंग ऑफ, कंपनी का नाम रजिस्टर से हटा देना. तो कितना टाइम अलाउड है बेटा? 5 years. 5 साल से ज़्यादा हो गया तो आर ओ सी क्या करेगा? स्ट्राइकिंग ऑफ. और 5 साल से पहले या तो कंपनी खुद स्ट्राइक ऑफ के लिए अप्लाई करे, या कंपनी खुद एक्टिवेशन के लिए अप्लाई करें, बट 5 साल से ज़्यादा डॉर्मेंट स्टेटस आप एंजॉय नहीं कर सकते. ये बात क्लियर है? देखो यहाँ पे लिखा है, बिफोर द एंड ऑफ 5 consecutive years,
चेंज इन द स्टेटस ऑफ द कंपनी इधर डॉर्मेंट टू एक्टिव, और अगर आप देखते हो आगे जाएंगे आरओसी उसको क्या करने वाला है, स्ट्राइकिंग ऑफ मैक्सिमम पीरियड. देखो यहां लिखा है मैक्सिमम पीरियड फॉर विच कंपनी कैन बी डॉर्मेंट इज 5 years. करेक्ट है, अ कंपनी कैन नॉट बी डॉर्मेंट फॉर मोर देन 5 years. बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 years द कंपनी हैव टू अप्लाई फॉर एक्टिवेशन और स्ट्राइकिंग. या तो खुद बंद करा दो या तो एक्टिव करा लो, और अगर कुछ भी नहीं किया, कंपनी फेल टू कंप्लाई, देन आरओसी कैन स्ट्राइक ऑफ द नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ डॉर्मेंट कंपनी. समझे मेरी बात, ये क्लियर हो गया? तो मुझे बताओ हु विल अप्लाई फॉर टेकिंग द डॉर्मेंट स्टेटस, कंपनी या आरओसी? करेक्ट है बात. कंपनी कौन से फॉर्म में अप्लाई करेगा, MSC1. करेक्ट है बात. और आरओसी अगर जो है ये अगर करना चाहता है कौन से ग्राउंड्स पे डॉर्मेंट डिक्लेयर करेगा, फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट फाइल्ड और एनुअल रिटर्न नॉट फाइल्ड फॉर कंसेक्यूटिव 2 years. बट कुछ भी डिक्लेयर करने से पहले क्या देना है, नोटिस, दैट इज अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. उसके बाद डॉर्मेंट के रजिस्टर में नाम लिख लिया उनका, एज अ ब्रैकेट में डॉर्मेंट लिख लिया, बट कितने सालों के लिए स्टेटस रख सकते हैं, 5 years के लिए. करेक्ट है, 5 years के बाद अगर कंपनी कुछ नहीं करती है तो आरओसी विल स्ट्राइक ऑफ द नेम, स्ट्राइक ऑफ हटा देना. बट 5 साल से पहले कंपनी ने खुद होकर एक्टिव के लिए अप्लाई करना है या फिर स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए अप्लाई करना है. करेक्ट है बात. तो नीचे लिखना है ऑप्टेनिंग द डॉर्मेंट स्टेटस, ऑप्टेनिंग द डॉर्मेंट स्टेटस, obtaining the dormant status. ये देखो ऐसे ही बना लो. Who can obtain, company or ROC? बनाओ ये चार्ट. कंपनी विल अप्लाई इन विच फॉर्म, फॉर्म MSC1. लिखा क्या? अरे जल्दी लिखो ना, छोटा तो यार जल्दी. वोट फॉरवर्ड ओकेशन. कितने लोग पूना में बोलिंग चलेंगे दिवाली पे? सब लोग ऐसे ही सब पूना में अगर कोई है तो कौन कौन है? सिद्धेश पिसाल यहाँ पे है, साक्षी है, ये है. मैं पिंग करूँगा, चलेंगे अपन मस्त चलेंगे, चलेंगे मजा आएगा. फिनिक्स मॉल स्मैश है ना, जितने लोग हैं वो तो चलेंगे, नेक्स्ट टाइम वापस चलेंगे, मजा आएगा. मोस्ट ऑफली 26 को प्लान करेंगे.
वापस चलेंगे ना, वापस चले, बट जो अवेलेबल है मस्त मजा आएगा. डन. हाँ, क्रिकेट के लिए वो पॉसिबिलिटी, मजा आएगा उल्टा अभी, क्योंकि अभी वेकेशन है ना. चल, चलते हैं, चलते हैं सच में. 26 को प्लान करता हूँ मैं ग्रुप पे डालता हूँ, जो अवेलेबल रहेंगे आ जाना. चलो क्या लिखा, आर ओ सी विल सेंड नोटिस, हो गया, एंड कंपनी विल एंटर द नेम इन द रजिस्टर, रीजंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट फाइल, ये हो गया. अब नीचे नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करके लिखना है, मैक्सिमम टर्म इज 5 years. हाँ, या तो हेडिंग लिख दो, व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म, कंटिन्यू किया तो भी चलेगा. मैक्सिमम टर्म 5 years. 5 साल के अंदर क्या करना है, कंपनी ने अप्लाई करना है या तो एक्टिवेशन के लिए या स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए. If company fails to comply with the above, then ROC can strike off the name from register. If company fails to comply with the above, then ROC can strike off the company's name from register. तो मतलब कंपनी बंद हो गई. स्ट्राइकिंग ऑफ के ऊपर एक चैप्टर 20 है. हाँ, नई कंपनी बनाऊँ, नई कंपनी बनाऊँ. स्ट्राइकिंग ऑफ के और प्रोविजंस है तो थोड़ा बहुत आपको भी पता नहीं पड़ेगा. 20 चैप्टर में पूरा स्ट्राइकिंग ऑफ के आगे के प्रोसीजर्स है कि कंपनी का नाम हट गया रजिस्टर से तो स्ट्राइक ऑफ से वापस आना कर सकते कि नहीं कर सकते, तो कुछ क्राइटेरियाज है ना, वो है मुझे मालूम है, बट अभी राइट टाइम नहीं है उस पर बात करना. स्ट्राइकिंग ऑफ मतलब कंपनी बंद होना बेटा. जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो गया, अगर आपका रजिस्ट्रेशन ICICI का कैंसिल होता है तो कैन यू अपीयर फॉर एग्जाम, नो, ऑब्वियसली नो, करेक्ट है. तो कंपनी बंद हो जाना तो बिजनेस नहीं कर सकते. ओके, समझा, ये क्लियर है, नहीं क्लियर है, ए ढोकली. हाँ ब्रो, कुछ भी बोल सकती है. चलो, हो गया क्या, कौन, कितने लोग रह गए, बोला कृष्ण. सिक कंपनीज आर इन लॉस मेकिंग कंपनीज, दिस इज नॉट लॉस मेकिंग, इसमें कामकाज ही नहीं है. सिक कम इंडस्ट्रीज जो होती है ना वो टोटल लॉस मेकिंग है, जिनका पैसा कुछ है नहीं, एसेट्स फिक्टिशियस हो चुके हैं ऐसा. डन है क्या इसका क्वेश्चन, है सिक कंपनी और डॉर्मेंट कंपनी में फ़र्क है. सिक कंपनी में सेल है बट लॉसेस है, करेक्ट है, वहाँ पे पैसे नहीं है, कैपिटल कम बढ़ रहा है, लॉसेस ज़्यादा है, यहाँ पे बिजनेस ही नहीं है, बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया है. ठीक है, तो अब ये देखो, सुनो मेरा, व्हाट इज द प्रोसीजर, द कंपनी को क्या प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा. बेटा ध्यान देना प्लीज, ध्यान देना. हाँ सुनो, व्हाट इज द प्रोसीजर, सबसे पहले बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, उस बोर्ड मीटिंग में मस्त नाश्ता वगैरह तो आएगा ही, वो तो जाने दो, और एकदम बढ़िया पनीर टिक्का के साथ. सुनो मेरी बात, अरे सुनो ना यार, तुम बोर्ड मीटिंग में घुस गए उसके बोर्ड मीटिंग तक पहुंचने तक बहुत मेहनत है बेटा, आपको 20-25 साल करियर में मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आप डायरेक्टर बन पाओगे आइडियली. कुछ तो एक्सेप्शनल केसेस में शायद जल्दी भी बन जाए, मैं जज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना बात. तो एक बोर्ड मीटिंग मेरे को याद है, बहुत गंदी बोर्ड मीटिंग थी, मैंने बताया भी है, करेक्ट. एक बोर्ड मीटिंग में मैं एज अ ऑडिटर नहीं गया था, एज अ आर्टिकल गया था बेटा, और मेरे सर थे और मेरे सर का पार्टनर, हम 3 लोग गए थे बोर्ड मीटिंग में. एक्चुअली बोर्ड मीटिंग में ऑडिटर्स का काम नहीं होता है,
फ्रेंकली बता रहा हूँ, बट वो थोड़ा सा यू नो फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, पहचान के थे, तुमने बुला लिया था, आ जाओ तुम भी, थोड़ा कुछ एक दो चीज़ें टेक्निकली हमें पूछना है, हम कुछ डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो एक सीए कंसल्टेंसी लगेगा एक्चुअली, तो ऐसा अलाउड नहीं होता है, बट कुछ केसेस में येस अलाउड होता है। तो उस बोर्ड मीटिंग में वो चार पांच डायरेक्टर बैठा है, सीएफओ बैठा है, सर और सर का जो पार्टनर है, जूनियर पार्टनर था वो, और मैं तो सिर्फ असिस्टेंट की तरह गया था बैग उठाने के लिए, मतलब चपरासी प्यून बॉय की तरह गया था। बट मैंने बोला सर मेरे को आना है, एक तो क्या होता है ऑफिस में बैठने का बोर से अच्छा चलो मस्त जाएंगे, कोई कंपनी विजिट करेंगे तो एक्साइटमेंट होती है ना कोई चीज़ की नया नया, तो मैं बोला मैं तो आऊँगा ही सर, बोला प्लीज़ मेरे को लेके चलो सर। बोले देख तेरा क्या काम है, बोला सर मैं आ जाऊँगा ना कुछ भी हेल्प हो जाएगा, चल बोले ठीक है पिकनिक स्पॉट। समझे मेरी बात। अब वो बोर्ड मीटिंग में हुआ क्या, एक घंटा डिस्कशन चला और एकदम प्रोटोकॉल होता है, फिर एकदम टिपिकल लंच एंड डिनर, मैंने बताया जैसे कि डिनर बुलाया गया, तो उसके अंदर एक तो क्या होता है उस बोर्ड मीटिंग में पहले एज अ स्टार्टर में टी कॉफ़ी पानी ठीक है बिस्किट्स, ये कॉमन चीज़ होती है गुड डे स्पेशली, ये बहुत कॉमन स्टैंडर्ड है गुड डे बिस्किट्स रखना, फैक्ट बता रहा हूँ, एंड प्लस यू नो कैश्यू नट एंड समथिंग। तो एक डायरेक्टर को मेरे को इतना हंसने आ रहा है, मैंने बताया आपको एक ऐसे फाउंडेशन, वो ऐसा देख रहा बस बात चल रही है उसका काजू पे ध्यान है। मैं मेरे जूनियर को उसको कुछ बोल रहा है, ओके ओके हाँ ओके ओके, अच्छा उसके बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है बस, अब उसके बाद अब उसका मीटिंग में ध्यान चालू हो गया। अब बोला साला ये खा रहा है मैं कैसे खाऊं, मुझे भी तो खाना है ना, समझे मेरी बात। अब ये सब बैठे एकदम ऐसा एकदम टेम्पटिंग हो रहा है सब आजू बाजू में, फिर मैंने मेरे बाजू वाले जूनियर को असिस्ट किया, जो जूनियर मतलब मेरे सीनियर थे एक्चुअली सर के जूनियर करेक्ट है, जो मेरे साथ थोड़ा सा अच्छे से थे सीए थे वो, तो मतलब देखो ना जरा, अरे पागल शू देखो ना जरा। अब मैं तो टाइम पास के लिए गया था, समझो मेरी बात। और उसके बाद जो लंच था ना वो तो बहुत ही बेकार, ये तो शर्म आती है ना, तब नया नया कुछ समझ में नहीं आता था, 12th स्टैंडर्ड की बात है, अब समझो कुछ सेंस ही नहीं था। ओके तो सब खा रहे, गिर रहा है खाना, डिस्गस्टिंग एकदम एम्बेरेसिंग लगता है, डरे हुए अपन थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके सब एकदम सोफेस्टिकेटेड खा रहे हैं, सब बैठे हैं और अपने को आदत है एकदम हौरटपना करेक्ट है। तो व्हाट इज माय पॉइंट, अरे खाने में यार वो एक कम्फर्ट लगता है, मुझे तो लगता है, बट मैंने बहुत चीज़ सीखी भी है फ्रेंकली, अभी बींग अ प्रोफेशनल पर्सन वो 12th स्टैंडर्ड की बात है, अभी मैं सब तरीके का खाना खा सकता हूँ, मतलब सब स्टाइल में, यू वॉन्ट एकदम सोफेस्टिकेशन आई कैन क्रिएट दैट, इफ यू वॉन्ट एकदम टिपिकल आई कैन डू दैट। ओके समझे मेरी बात, ध्यान नहीं दे रहे घुसने का नहीं, सुन मेरी बात। तो अब एक तरीके से तब आता नहीं था, सच्ची नहीं आता था मैनर्स, मतलब ये सब चीज़ें टेबल एटिकेट्स ये सब सिर्फ सुना था, स्कूल में सिखाया था, बट कभी प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया। तो अभी किस कुछ मांगना भी है, कुछ चीज़ है मेरा ख़त्म हो गया तो कैसे मांगे, एकदम शांत बैठे सब लोग और उसमें कुछ अचानक से बिजनेस के पैसों की बात चल रही है और उसमें मैं बोलेंगे मुझे पनीर टिक्का चाहिए, साला पेट ही नहीं भरा उधर। बाद में जब बाहर निकले ना तो अच्छा हो गया, सीनियर सर जो थे जो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, गुड सर ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, तो वो उनको कुछ एक घंटे का काम बढ़ गया, मैंने मेरे सीनियर जो सर के जूनियर थे सेकंड पार्टनर, बोला यार पेट नहीं भरा अंदर बाहर चलते ना यार, बोले चल भाई मेरा भी पेट नहीं भरा, तेरा दर्द मेरा दर्द सेम है, जाते हैं समझे मेरी बात, बाहर जाके कैंटीन में जो ठूसा जान दो। तो व्हाट इज़ माय पॉइंट, एक्सप्रेशंस बाहर आ गए, बोर्ड मीटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो बोर्ड मीटिंग में आपको समझना है, पहले बोर्ड मीटिंग बुलाना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करेंगे जनरल मीटिंग का क्या डेट डे टाइम प्लेस, बाकी आपको सेक्शंस आते हैं मीटिंग्स के, नोटिस 21 डेज बिफोर वगैरह बोलने की ज़रूरत नहीं है। जनरल मीटिंग में हम सबको मेंबर्स को बोले देखो भाई कोई कामकाज नहीं है कंपनी में टर्नओवर नहीं है, कंपनी में अभी स्टार्ट नहीं हुई है, फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनी है, शेयर होल्डर से हम परमिशन लेंगे और शेयर होल्डर के कंसेंट लेने के बाद हम उसे SR स्पेशल रेजोल्यूशन विल बी फाइल्ड विद ROC। शेयर होल्डर के कंसेंट से पहले उधर देखो ऑडिटर, वो ऑडिटर से हम पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवा लेंगे कि क्या कामकाज है, दिखाना पड़ेगा ना टर्नओवर नहीं है, कुछ भी बिजनेस नहीं है, कुछ ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा है, तो जनरल मीटिंग में आपको वो ऑडिटर का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाना पड़ेगा। एक सेकेंड, बोर्ड मीटिंग नोटिस जनरल मीटिंग से पहले आपको क्या करवाना है, ऑडिटर से फाइनेंशियल्स प्रिपेयर करवाना है,
और वो फाइनेंशियल्स जनरल मीटिंग में प्रेजेंट कर रहे हैं कि देखो ऑडिटर सॉरी देखो शेयर होल्डर, ये जो कंपनी है इस कंपनी में अभी कोई भी कामकाज नहीं है और कंपनी में अभी फिलहाल कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, अननेसेसरी हम कंपनी को एक्टिव रख रहे हैं, हम टेम्पररली इसको बंद करते हैं, टेम्पररी बंद मतलब इनएक्टिव, दैट इज डॉर्मेंट। उनका परमिशन मिला एसआर हमेशा फॉर्म नंबर MJT 14 जो ROC के पास फाइल करेंगे, हाउ मेनी डेज 30 डेज। अब इनकी परमिशन मिल गए, अब हम ROC के पास जाएंगे, कंपनी अब ROC के पास जाएगा, एप्लीकेशन देगा, MSC है एक्चुअली, वहाँ पे MCS लिखा है, MSC फॉर्म वन के साथ सब चीज़ अटैच करेगा, ठीक है, कि देखो शेयर होल्डर की परमिशन ले ली है, ठीक है, सारा उसका रिकॉर्ड है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि कंपनी में कोई भी कामकाज नहीं है, सारा एविडेंस अटैच करेगा और ROC को बोलेगा प्लीज़ डिक्लेयर अस डॉर्मेंट। ROC सब वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद कंपनी को डॉर्मेंट डिक्लेयर करेगा, डॉर्मेंट के लिए सर्टिफिकेट देगा, दैट इज़ फॉर्म नंबर MSC 2, वहाँ पे MCS देखा है, MSC 2 फॉर्म में डिक्लेरेशन देगा, सर्टिफिकेट देगा कि आप क्या है, डॉर्मेंट है। तो रिपीट करो, पहला क्या होगा, बोर्ड मीटिंग में क्या डिसाइड होगा, जनरल मीटिंग का डे टाइम प्लेस, करेक्ट है बात। अब उससे पहले हमें ऑडिटर से क्या करवाना है, स्टेटमेंट प्रिपेयर कराना है, वो हमें जनरल मीटिंग में प्रेजेंट करना है, शेयर होल्डर से डिस्कस करना है, उनसे रेजोल्यूशन, कौन सा रेजोल्यूशन, कौन से फॉर्म में फिल करना है, कितने दिनों में, विद ROC। उसके बाद अब ROC के पास, ये देखो MJT 14 तो फाइल करना है बट अब ROC के पास पूरा बंच लेके जा रहा है, कौन से फॉर्म में, MSC 1 के हमें डॉर्मेंट डिक्लेयर करो, उसके साथ हमें एविडेंस अटैच करना है, एविडेंस स्पेशल रेजोल्यूशन कॉपी, स्टेटमेंट ऑफ FS, डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर के भाई सब सही है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, एंड अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट। ROC सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद क्या देगा, सर्टिफिकेट ऑफ डॉर्मेंट विच इज इन फॉर्म MSC 2। लिखो डायग्राम, प्रोसीजर टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी। अब वो ऑडिटर मतलब उसकी भूत नहीं बनाते बैठना है, सिर्फ ऑडिटर लिखना है, नहीं तो ड्राइंग पेंटिंग करना चालू करोगे आप। जनरल मीटिंग कैन बी AGM और EGM, जैसे रहेगा, अगर AGM आ ही रहा है तो AGM, अगर आपको पहले डिक्लेयर करना है तो EGM। लिखा क्या, अब तो ईगो हर्ट हो गया मेरा, लिखा एकदम सिंपल है, वापस बताओ मुझे डेफिनेशन, डॉर्मेंट कंपनी कहाँ पे डिफाइन है, 455, करेक्ट है, व्हाट इज डॉर्मेंट कंपनी, फॉलोइंग 3 पॉइंट्स, व्हाट आर द 3 पॉइंट्स, नो बिजनेस और ऑपरेशंस, करेक्ट है, सेकंड, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, थर्ड क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न्स आर नॉट फाइल्ड फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स,
What is significant accounting transaction except the following four is a significant accounting transaction? Payment of ROC fees, compliance fees, allotment of shares, and third point kya? Payment of maintenance of office or records. Correct hai baat. Uske baad agar aap dekh rahe ho, next humne dekha ki who can obtain the dormant status, the company or ROC. Company kaun se form hai? MSC 1. Correct. ROC क्यों? क्योंकि financial statement or annual return is not filed for two consecutive years. Correct है. उसके बाद कितने term के लिए dormant रहेगा? 5 years. 5 years के बाद ROC क्या करेगा? Striking off. 5 साल से पहले company को क्या करना है? Active करवाना है या strike off कराना है? Correct है बात. उसके बाद हमने देखा what is the procedure. पहला conduct क्या करेंगे? Board meeting. दूसरा send a notice. उसी दौरान हमें क्या करवाना है? ऑडिटर से स्टेटमेंट ऑफ एफएस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी कराना है कि भाई क्या पोजीशन है उस दिन तक. ओके. और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल मीटिंग में प्रेजेंट करना है. जनरल मीटिंग में मेंबर्स का कंसेंट लेना है. कौन सा रेजोल्यूशन? स्पेशल रेजोल्यूशन. उसके बाद वो फाइल करना है MJT 14 एंड ROC के पास कितने दिन में? 30 डेज. फिर कंपनी को अप्लाई करना है MSC 1. Correct. MSE 1 along with special resolution copy and statement of affairs, director declaration, etc. And ROC will give the certificate in MSE 2. Bahut important question. Kya fayda hai dormant ka? Dormant declare karne ka kya benefit rahega? Simple hai. Generally har company ko saal mein 4 board meeting rakhni padti hai. But inme already koi kamkaj hai hi nahi. तो इनको साल में दो ही बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी है. दो बोर्ड मीटिंग कम कंडक्ट करनी है. बोर्ड मीटिंग कम मतलब डायरेक्टर सिटिंग फीस कम. डायरेक्टर को हर बोर्ड मीटिंग का फीस देना पड़ता, बच गया ना कंपनी का खर्चा. और वैसे भी कुछ कामकाज नहीं है तो क्यों बोर्ड मीटिंग में आएंगे, खाना खाएंगे, घर जाएंगे? नहीं होगा ना. तो साल में 4 की जगह कितना? 2. आपको ज़्यादा रखना रखो, बट कंपनी लॉ बोलता है कि आपको 2 बोर्ड मीटिंग रखो तो भी चलेगा. और एक बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऐसे कुछ चीज़ें बंच बनता है, बट ये कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद ROC फीस में भी आपको कंसेशन है. जहाँ 100 रुपये लगना है, 50 लगना है, वहाँ 500 लगना है, तो 300 लगना है, तो आपके ROC फीस का भी खर्चा कम हो जाएगा, डिस्काउंटेड पे हो जाएगा. ये तीसरा बेनिफिट है. अरे हम क्लाइंट्स को कंसल्ट करते हैं, वो सिर्फ कंपनी बना के रखे हैं. हम बोलते हैं अरे पगले डॉर्मेंट के लिए अप्लाई कर. अप्लाई करेगा तो अपना काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो सब बढ़ेगा. तो सिंपल बात है, तो अप्लाई कर तो उसको फ़ायदा गिनाओ पहले कि भाई क्या क्या फ़ायदा है. फ़ायदा अगर आप देखते हो, एक सेकेंड होल्ड करो. सी एग्जम्पशंस एंड बेनिफिट्स. बोर्ड मीटिंग ओनली 2 इन अ ईयर. फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट. रोटेशनल ऑडिटर के कंसेप्ट को एप्लीकेबल नहीं है. सर ये क्या होता है? आपने पढ़ा होगा CS फाउंडेशन में ऑडिट के अंदर रोटेशनल ऑडिटर. जब एक ऑडिटर अपॉइंट होता है तो 5 साल के लिए अपॉइंट होता है. फर्म ऑफ ऑडिटर है तो 10 साल के लिए अपॉइंट होता है. कूलिंग पीरियड आ जाता है 5 ईयर्स का, उसके बाद फिर से वो रीअपॉइंट हो सकता है. बट यहाँ पे ऑडिटर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. अरे जब ट्रांजैक्शन ही नहीं है तो ऑडिटर भी चेंज करके क्या करेंगे? क्या सर्टिफाई करेगा वो? 0 ट्रांजैक्शंस को. तो रोटेशनल ऑडिटर का कंसेप्ट नहीं है. स्टैट्यूटरी फीस जो है वो कम लोअर कॉस्ट पर है. एंड सिमिलरली आप ये प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हो फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और अदर प्रॉपर्टीज यू कैन होल्ड इन डॉर्मेंट कंपनी. जस्ट होल्ड ऑन, लास्ट पॉइंट बताता हूँ. लिखो लिखो. बेनिफिट्स फिर से बता दो, बट पहले प्रोसीजर लिखो. हाँ आवाज क्लियर है? हाँ क्या जनरेट नहीं हो रहा है? रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है. खर्चा जो है
ROC फीस कम हो जाएगी ना. आपको कंपनी फ्यूचर के लिए रखा आपने, कंपनी अभी आप काम चालू करने वाले हैं बट इमीजिएटली नहीं, एक आधे दो साल में, समझे मेरी बात. तो कंपनी बंद नहीं करना है हमें, हमें कंपनी रखना है. तो तब ज़्यादा करना पड़ेगा ना, जब बिजनेस भी तो रहेगा ना, समझे मेरी बात. नहीं क्वेश्चन क्या है, रिपीट करो. कंप्लायंसेस कम हो जाएंगे ना, करेक्ट है. कंप्लायंस करने से थोड़ी ना कुछ मिलता है, वैसे भी कुछ भी नहीं मिलता है. ROC को पेपर वर्क करके आपको कोई प्रॉफिट होता है नहीं, वैसे ही नहीं होता. वो एक यू नो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है. तो हम आपको और बर्डन नहीं देना चाहते. जहाँ 10,000 खर्चा है, हम चाहते हैं कि 5,000 ही लगे, क्योंकि ऑलरेडी आप लॉस में, जीरो तो नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो आपकी पहचान कंपनीज एक्ट से, ROC से, तो हमने ही आपको बनाया. तो आपको हमारे कुछ जो नखरे हैं वो सहन करने पड़ेंगे, ठीक है. आप कमा रहे हो तो हमारे नखरे ज़्यादा रहेंगे, और आप नहीं कुछ कर रहे हो तो हम आपको थोड़ा कम तकलीफ देंगे, पर तकलीफ देंगे. कंपनी बनी रहेगी ना, कंपनी एक्टिव, आगे जाके कंपनी यूज़ होने वाली है. हाँ, यहाँ से किसने कुछ आवाज़ दिया था? हाँ, क्वेरी नहीं. ये वाला स्लाइड लिखा, प्रोसीजर में रह गया था ना ये. बोला साक्षी. हाँ, ट्रांजैक्शंस क्या नहीं है, बिजनेस करना ही नहीं है तो फिर. अरे बिजनेस करना है बट फ्यूचर में करेंगे हम, आज बना के रखा है. अब मैं सब एग्जांपल है कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करूँ, कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करूँ. मैंने कंपनी बना ली, अब मैंने देखा कि यार जो कैपिटल और जो प्लानिंग करना था या जो मुझे टाई अप करना था उसको एक साल लग रहा है, जो कंपनी का टाई अप करना है. तो मैं अभी कंपनी बनाए, कंपनी बंद कर रहा हूँ, फिर वापस कंपनी बनाऊंगा. डज इट मेक अ सेंस? तो इससे अच्छा मैं उसको डॉर्मेंट डिक्लेयर करवा के बाजू में रख दूंगा, समझे. तो मुझे जैसे मेरा काम चालू होने वाला अगले साल, इमीजिएटली मैं एक्टिव करा के कामकाज चालू करा. बिजनेस करना ही नहीं है, ऐसा नहीं है, करना है बट वेट करके करना है, समझे. कुछ कुछ लोग होते हैं ना कि भाई पूरी तैयारी के साथ बिजनेस करेंगे, तो एक कंपनी बना ली, फिर उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होल्ड करके रखा है, अब और कैपिटल चाहिए, हम अरेंज कर रहे हैं, तब तक हम कंपनी होल्ड करके रखें, फिर जैसा पैसा आएगा हम क्या करेंगे, कंपनी स्टार्ट कर लेंगे. लैंड लेके रखा, कंस्ट्रक्शन करना है फ्यूचर में, आज मेरे पास लैंड है, लैंड खरीद के रख दिया, कंस्ट्रक्शन का पैसा नहीं है, मैंने कंपनी को डॉर्मेंट डिक्लेयर करा, दो साल मैंने सेविंग की, अब मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस स्टार्ट करूंगा. फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो गया. एक सेकेंड, बेनिफिट्स में हम थे, मैंने वापस रिपीट करो, बहुत सिंपल है. बेनिफिट, बोर्ड मीटिंग कितने करना है? 2 बोर्ड मीटिंग, करेक्ट है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या नहीं बनाना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना है. उसके बाद में ऑडिटर का, रोटेशनल ऑडिटर का कंसेप्ट आपको फॉलो नहीं करना है. एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंस कॉस्ट इज लेस, डिस्काउंटेड या कम रेट है, डॉर्मेंट कंपनी की फीस कम रहती है. एंड द लास्ट पॉइंट इज बेसिकली आप कंपनी बनाकर शायद ट्रेडमार्क आज ही बना के रख दिया, शायद आज आपने आज ही प्रॉपर्टी होल्ड करके रखा है, फ्यूचर में आप बिजनेस करने वाले हैं बट आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करके रखा है, कंपनी के नाम पर आप ट्रेडमार्क खरीद के रख सकते हो, भले वो डॉर्मेंट कंपनी क्यों ना हो, समझे मेरी बात. तो 4-5 बेनिफिट्स है, रिपीट, बोर्ड मीटिंग 2, करेक्ट है. स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स में नो रोटेशनल ऑडिटर्स. थर्ड क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है. फोर्थ पॉइंट क्या है? स्टैट्यूटरी कंप्लायंस फीस इज कंपेरेटिवली लोअर एंड यू कैन होल्ड एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एनी अदर एसेट इन द नेम ऑफ द कंपनी. लिखो नीचे बेनिफिट्स. वॉट आर द बेनिफिट्स और एग्जम्पशन टू डॉर्मेंट कंपनी? वॉट आर द बेनिफिट्स और एग्जम्पशन टू डॉर्मेंट कंपनी? लिखो बेटा. जनरली बोर्ड मीटिंग 4 होती है, आपने पढ़ा था सीएस फाउंडेशन में, यह चीज वापस आएगा पूरा कंपनी लॉ में, सब A to Z सब चीज आने वाली है. ले सकता ना,
शायद आज और सपोज मेरा पार्टनर मैं एक नया बिजनेस करने जा रहा है तो आज हम इंडिविजुअल नाम पे लेने से बेटर डायरेक्टली कंपनी के नाम पे ले ले शायद आज मैं मेरे नाम पे लूंगा फिर पेपर वर्क करूंगा कंपनी के नाम पे मेरे नाम पे ट्रेडमार्क है मैंने लोगो रजिस्टर किया अब मैं बोल रहा हूँ कि सपोज यू एंड मी आर स्टार्टिंग अ बिजनेस जहाँ पर तुम 10 लाख ला रहे हो और मैं ट्रेडमार्क ला रहा हूँ जिसकी वर्थ 10 लाख है अब मैं वो सेल एंट्री पास करूंगा कंपनी के नाम पे तुम बोलोगे ठीक है मैं पैसा ला रही हूँ तुम ट्रेडमार्क दे रहे हो बट तुम्हारे नाम पे नहीं फिर वो दोनों शेयर करेंगे फिर मैं वापस प्रोसीजर करके ट्रेडमार्क सेल की एंट्री पास करूंगा टैक्सेशन लगेगा फीस बढ़ेगी बेटर हम कंपनी के नाम पे डायरेक्टली आज ही ले लें सी एवरीथिंग इज फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू यार हाँ ऑडिट इज मैंडेटरी सेल जीरो भी रहा तो ऑडिट इज कंपल्सरी अंडर कंपनीज एक्ट ऑडिट में पढ़ा आपने सीएस फाउंडेशन में तो ठीक है ना नहीं कर रहे तो क्या हमें चेक करना लोगों का पैसा आपके पास है कंपनी का तुम बोल रहे तुम कुछ नहीं कर रहे बट वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना आज तूने लोगों से 300-400 लोगों से कैपिटल लेके रखा है अब तू बोल रहा मैं तो कुछ काम नहीं कर रहा तो क्यों हिसाब दूँ हमें वेरीफाई तो करने दो जो तुम बोल रहे हो सही है कि गलत है पैसा क्यों देंगे हम बिजनेस देखो बिजनेस ऐसा नहीं कि आज सोचा कल से स्टार्ट हो गया ऐसा कभी नहीं होगा लाइफ में बहुत एक्सेप्शनल केसेस में होता है आज हम सोच रहे हैं फिर लोगों से पैसा गैदर कर रहे हैं और पैसे की ज़रूरत है अब जैसे एक क्लाइंट है जिनको 10 करोड़ की ज़रूरत है अब वो लोगों से जोड़ते जा रहा है तुम कितना लगा सकते हो प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहा है ठीक है तुमसे 50 लाख ठीक है होल्ड करो दे के रखो फिर इनसे 10 लाख इनसे 5 लाख तो टाइम लगता है कोई भी चीज़ को एवरीथिंग टेक्स टाइम हाँ लिस्टेड कंपनी डॉर्मेंट नहीं हो सकती बेटा आ गया उसके एक रूल में बताऊंगा मैं लिस्टेड कंपनी नहीं जा सकती है वो कहाँ पर है मेंशन करो अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज नॉट अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मैंने कंपनी बनाई अब मुझे जो लोगों ने सब्सक्राइबर ने साइन किया उनको शेयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा पैसा लेना पड़ेगा तो सब्सक्राइबर को तो मैं शेयर दूंगा ना और शायद मैं पैसा इकट्ठा करते जा रहा हूँ लोगों से अभी तक लोग आ रहे हैं बट बिजनेस स्टार्ट नहीं हो अलॉटमेंट ऑफ शेयर की एंट्री पास की है मैंने बट इज इट अ सिग्निफिकेंट और नॉट सिग्निफिकेंट समझा क्या हाँ बोल ऐसा कुछ नहीं है अभी आपने कंपनी बना के रखी है आपको लग रहा है डॉर्मेंट डिक्लेयर करवाना है आप करवा सकते हो प्रैक्टिकली लोग 1-10 साल रुक के करेंगे मतलब जेन्युइनली 90% केसेस बट आप करा सकते हो कभी लॉ में ऐसा नहीं लिखा कि आज ही बनाओ और कल डिक्लेयर करो वेट करो शायद आप वेट कर रहे हैं कि कुछ टाइप हो जाए कुछ अपने को परमिशन मिले सब एग्जांपल है कि मैं कल चेन्नई में क्लास डालना चाह रहा हूँ मैंने कंपनी बना ली बट वो चेन्नई वाला पार्टनर थोड़ा सा वेट करने बोल रहा है कि सर थोड़ा सा टाइम दो एक साल और लगेगा मुझे पैसा भी लाने के लिए तो बोला ठीक है कंपनी बना के रखी है जिस दिन तेरे पास पैसा होगा बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो मैं वेट कर रहा हूँ समझे इन्वेस्ट कर दिया मतलब मशीन खरीदी क्या करा एफडी में डाल के रखा है तो एफडी मेकिंग इज सिग्निफिकेंट और नॉट सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट तो फिर आपको डॉर्मेंट डिक्लेयर नहीं भी कर सकते क्लियर हो गया पक्का समझे ठीक है चले एक बार रिवाइज करते हैं क्या हो गया सेक्शन 455 इज टॉकिंग अबाउट बेटा डॉर्मेंट डॉर्मेंट के लिए कितने क्राइटेरियाज है 3 नो बिजनेस ऑपरेशंस सेकेंड No significant accounting transactions and third, not filed annual returns, financial statement for 2 consecutive years. Correct. A significant accounting transaction means except the following 4, all are significant. कौन से 4? पहला ROC fees, compliance fees, allotment of shares and correct maintenance of office and records. उसके बाद next हमने पढ़ा कि who can apply for dormant status? कंपनी कैन अप्लाई और आरओसी कैन सुओमोटो अप्लाई कंपनी विल अप्लाई इन फॉर्म नंबर MSC-1 आरओसी विल अप्लाई व्हाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स आर नॉट फाइल्ड फॉर 2 consecutive years बिफोर डिक्लेयरिंग डॉर्मेंट दे विल सेंड नोटिस व्हाट इज द प्रोसीजर टू डिक्लेयर द डॉर्मेंट बाय कंपनी बोर्ड मीटिंग Fix the date, time, place of general meeting. Before general meeting, obtain the
financial records from the auditor, present in the general meeting, then pass special resolution, form file MJT 14 and inform to ROC within 30 days, then apply to ROC for dormant in form number MSC 1 along with special resolution copy, statement of FS, declaration by director and other documents whereby ROC will declare dormant by issuing a certificate in form number MSC 2. Okay, ho gaya aapka kaun sa procedure hai. Uske baad humne padha what are the बेनिफिट्स. बोर्ड मीटिंग कितना? दो. क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना है. थर्ड क्या है? ऑडिटर रोटेशनल ऑडिटर कंसेप्ट नॉट एप्लीकेबल. और क्या आएगा? कंप्लायंस फीस इज लोअर एंड प्रोमोटर्स सॉरी क्या लिखा आपने कैन होल्ड द प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ कंपनी. चलेगा. आज के लिए इतना ही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माता दी. थैंक यू.